ऋषभ पंत को लगा झटका और ये गलती हुई, इसके कारण ऋषभ पंत को पनिशमेंट 12 लाख एक मैच में, 24 लाख एक मैच में, और आईपीएल मैच का बैन भी लग सकता है ऋषभ पंत को। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। आप चैनल में नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। तो आज जानते हैं विकेट कीपर, बल्लेबाज ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल के कैप्टन ऋषभ पंत को लगा लाखों का झटका और लाखों रुपया जुर्माना। जानते हैं इस खबर में, पूरी खबर देखिए। आईपीएल के 2024 सीजन में लगातार दूसरी बार स्लो ओवर रेट की वजह से ऋषभ पंत को और दिल्ली कैपिटल को तड़का नुकसान हुआ है। पंत के बीसीसीआई आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत केकेआर के खिलाफ मैच के बाद हुई जुर्माना। कैपिटल की टीम में दिल्ली कैपिटल्स ने 4 मैच खेला है, 4 मैच में 3 मैच हार कर पॉइंट्स टेबल के 9वें पायदान पे है। कोलकाता के खिलाफ 3 अप्रैल को हुए मैच में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली पारी देखी, पर 106 रन की शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। बीसीसीआई ने आईपीएल के कोड ऑफ कड़क के तहत उन पर जुर्माना लगाया। पहले मैच में 12 लाख, दूसरी मैच में 24 लाख और तीसरी मैच में भी ऐसे लगा तो ऋषभ पंत आईपीएल मैच में बैन हो सकते हैं। ये जनाया है बीसीसीआई ने। ऋषभ पंत को बहुत नुकसान हुआ है, 48 लाख का जुर्माना हो चुका है और दूसरा मैच में भी ऐसा ही हुआ तो उन पर कड़ा से कड़ा और आईपीएल बैन का भी लग सकता है। तो उम्मीद करें ऐसा नहीं होगा। ये स्लो ओवर रेट, मतलब ये स्लो ओवर रेट का मतलब क्या होता है कि एक ओवर में ज़्यादा टाइम लेने से ऐसा जुर्माना होता है। एक ओवर में आप फिक्स मिनट होता है जो बीसीसीआई ने दिया हुआ था होता है, उस ओवर में नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम लगा तो वो पनिशमेंट होता है। इसलिए उम्मीद करें ऐसा नहीं होगा। चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। थैंक यू।